हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू दिस न्यू व्लॉग। बहुत ही लंबे टाइम के बाद व्लॉग कर रही हूँ। मुझे लग रहा है शायद मेरा लास्ट व्लॉग था जब हम वर्षा के घर गए थे, उसके बाद मैंने कोई व्लॉग नहीं किया। अनवी भी वापस जा चुकी है, मेरी तबीयत खराब थी तो मुझे खुद को थोड़ा सा बेटर बनाने में बहुत काम करना था क्योंकि बहुत ज़्यादा वीकनेस, बहुत ज़्यादा चीज़ें इधर उधर हो रही थी। तो मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया और अपनी हेल्थ पे सबसे पहले काम किया है। एंड टच वुड, बहुत टाइम बाद थोड़ी हेल्थ बेटर हुई है। और क्योंकि मैंने बताया था लास्ट, अगर आपने मेरा व्लॉग देखा होगा जिसमें अनवी और मैं रेडी हो रहे थे, तो उसमें मैंने अपनी हेल्थ अपडेट दी थी कि बहुत ज़्यादा स्टीरॉयड वगैरह खाने की वजह से ना वेट थोड़ा मेरा पुट ऑन हो गया था। वापस वो चीज़ कर ली है, नॉर्मल बैक टू अपने जितना वेट था उतने पे आ गई हूँ। शायद थोड़ा बहुत और कम करूँ बट अभी देखते हैं, वो मैंने अभी सोचा नहीं है। आज मैं बता देती हूँ भाई, आज बर्थडे है मेरा। आज है 16 फरवरी और मेरा है बर्थडे। एंड सुबह से काफ़ी हैक्टिक गया है, मतलब 4 बज चुके हैं और बहुत ही हैक्टिक रहा आज का दिन। बहुत सारे काम थे, बहुत सारी चीज़ें थी, ऑफिस भी जाना था। सब कुछ ख़त्म करने के बाद अब जाके मैंने 3:30 बजे शायद मैंने खाना खाया है। अब जाके मुझे थोड़ा सा टाइम मिला है बैठने का और आप लोगों से बात करने का। व्लॉगिंग थोड़ी कम हो गई और शायद आगे भी मैं थोड़ी कम ही व्लॉग कर पाऊँगी बिकॉज उतना मेरे पास टाइम नहीं मिल पा रहा है ना कि मैं व्लॉग्स करूँ। क्योंकि क्या होता है ना, टूटे टूटे व्लॉग करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप व्लॉग करो तो पूरा करो, अदरवाइज छोड़ दो। तो आज मैंने सोचा था कि मैं सुबह से व्लॉग करूँगी लेकिन मेरे पास सच में बहुत सारे काम थे और मुझे लगा मैं पहले यहाँ से ना इतना ज़्यादा अगर मैं व्लॉग स्टार्ट कर दूँगी तो मुझे यहाँ से बहुत ये लगेगा व्लॉग करना है। तो उससे बेटर है कि पहले मैं काम वगैरह सब ख़त्म कर लूँ और फिर वैसे भी इवनिंग में ही सेलिब्रेट करेंगे अगर करेंगे या कुछ भी करेंगे तो फिर बेटर है कि उसमें करूँ। सो अपडेट दे देती हूँ, हेयर कट करा लिया है मैंने वापस से, थोड़ा सा अपना लुक चेंज करने के लिए। एंड नॉर्मल स्टेप हेयर कट जिसको बोलते हैं ना, स्टेप कटिंग, वो कराई है क्योंकि मेरे हेयर्स में वैसे भी कुछ इतना विजिबल होता नहीं है। ब्लैक हैं और बहुत ही हल्के बाल हैं मेरे, तो उस रीज़न की वजह से ना बहुत ज़्यादा कुछ ऐसे हेयर स्टाइल पता नहीं चलती है, बट ये वाली पता चल रही है। मतलब अच्छी लगी मुझे, थोड़ा सा लुक चेंज हो गया। एंड बस ऑफिस से वापस आ चुकी हूँ। अभी शायद मैं 1-1.5 घंटा थोड़ा सा अपना जो भी काम बचा हुआ है वो निपटाऊंगी और शायद मैं और चेतन शाम को जाएंगे बाहर। कहाँ जाएंगे कहानी अभी कुछ पता नहीं है। और मैंने चेतन को बोला है कि जो तेरा मन है वो प्लान कर ले, मुझसे मत पूछ क्योंकि मैं बिल्कुल फोकस नहीं करना चाहती अभी किसी भी चीज़ पे। मेरे पास बहुत चीज़ें हैं ऐसी फोकस करने वाली, तो यहाँ से मैं थोड़ा सा आज क्लटर्ड हूँ। बर्थडे है तेरी बीवी का, क्या कर रहा तू आज? जैसे कि खाऊंगा। तो गाइस अभी बज चुके हैं 6, जाना तो था हमें बाहर लेकिन सीमा आंटी की जो बेटी है रवीना, उसने कुछ सरप्राइज प्लान किया था और मैं तब से वेट कर रही थी। उसको लगा मुझे पता नहीं है बट मुझे पता था। तो अभी चलते और देखते हैं क्या सरप्राइज प्लान किया है क्योंकि फिर हमें जाना है बाहर डिनर के लिए। एंड 7-8 बजे के आसपास हम सोच रहे हैं जाने के लिए। एक्चुअली मुझे मॉल भी जाना है, मुझे कुछ शॉपिंग करनी है, तो फटाफट चलते हैं और फिर मॉल चलेंगे। एक बार आप कहाँ हो? मैंने भैया को नीचे जाते हुए देखा था। मैंने भैया आप कहाँ? भैया बोले मैं तो अंदर हूँ। मैंने दीदी के सामने ही बोली अंदर। मैंने अब तो पता चल ही जाएगा दीदी को कुछ तो कर रहे होंगे गड़बड़। तो इन दोनों ने प्लान किया था, इसने सोचा कि मैंने सुना नहीं है, मैंने सुन लिया था कि क्या इन्होंने प्लान किया। पर चेतन को पता था? भाई तुमने डेकोरेशन तक की है? चेतन तुझे तो फेल कर दिया रवीना ने। ओके थैंक यू। ये जो आ जाओ, केक कट करेंगे आओ जल्दी। भाई साहब मायने, हमने तो ये गुब्बारा नहीं बुलाया, तुमने गुब्बारा से तुमने गुब्बारा भरा। ये बच्चों भाई देख इसमें लिखा भी है बर्थडे गर्ल। शुगर इन्होंने वो नहीं लिखा, छोटी बच्ची चीन। और तुम ये भी लाए हो? अरे पुरस्कार दिया जा रहा है। भाई वाह भाई वाह,
पुरस्कार है किस चीज का? कर्म तो ऐसा कोई किया नहीं मैंने। और जो तूने अच्छे करे तभी तो तेरे लिए घर सज गया, हमारे लिए नहीं सजता, कभी देख ले। इसके बर्थडे पर ये आज मैं सबसे ये सब मेरे से पूछा कितने साल के हो गए, मैं कहा मैं लगते कितने साल के, ये बताओ पहले तुम ही बता दो। हाँ चलो भाई मांग ले, पूरी ना होती वैसे भी। अरे मिल गई ना भैया, मिल तो गए। और क्या चाहिए, और क्या चाहिए, मतलब मैं मिल तो गया। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर, से हाय, हैप्पी बर्थडे टू यू, बड़ी वाली ताली। सबसे पहले सबसे बड़े को दिया है मुझे गिफ्ट, ओपन करते हैं इसको। आपका रुको रुको, ओपन करने से पहले आपका फेवरेट कलर कौन सा है ये बताओ। ऐसा कोई नहीं है, मतलब अच्छा। ब्लैक है वैसे तो। ओके बहुत बढ़िया, ये मेरी चॉइस है, बहुत बढ़िया, मुझे ऐसा ही कुछ चाहिए था। मैं ऑफिस और आपके दोनों के हिसाब से सोचा है, ये मेरी चॉइस है, ये हम लोगों ने करी है बहुत सारी बातें, और हमारा प्लान था, मेरा और चेतन का प्लान तो था बाहर जाने का, लेकिन हम बातों में इतने मशरूफ हो गए कि हमने ध्यान ही नहीं दिया कि टाइम क्या हो रहा है। तो बहुत लेट हो चुका था और कल मुझे ऑफिस भी जाना है, तो इसलिए बाहर जाना तो कैंसिल कर दिया मैंने। फिर क्योंकि मौसी भी थी यहाँ पे और नीचे सब लोग थे, तो मुझे अच्छा भी नहीं लगा यार क्या अकेले हम दोनों उठ के ऐसे बाहर चले जाएं। तो अभी अभी बज रहे हैं 9:30, 9 बजे मैंने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था, आधा घंटा और लगेगा, आने वाला है, और तब तक मैं और जितिन बैठ के करेंगे थोड़ा सा चल। अभी एक्चुअली फिर मेरी हिम्मत भी नहीं थी, अगर हम 5 बजे चले जाते तो शायद बेटर होता, क्योंकि मुझे टाइम चाहिए था मॉल अगर मुझे जाना था। मेरे दिमाग में कई सारी चीज़ें हैं जो मुझे देखनी है और कई सारी चीज़ें जो मुझे परचेज करनी है। सो गाइस अभी बज रहा रात के 1 या 1:30 और हम लोग देख रहे थे मूवी डंकी, जो कि नेटफ्लिक्स पे आ चुकी है। चेतन ने एक्चुअली देख ली थी, मैं देखने नहीं गई थी थिएटर पे, सो मैंने अभी देखी है। एंड ठीक है, मुझे इतनी कुछ खास पसंद नहीं आई, मतलब मुझे ठीक ठाक लगी। सो दैट्स इट गाइस, आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलूंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए